नंबर 11 लखनऊ वर्सेस पंजाब। अभी देखिए इस मैच में आपके लिए दो बड़ी ग्रैंड लीग दिख रही है मेरे को, एक 67 करोड़ की है, दूसरी भाई 3 करोड़ की ग्रैंड लीग है। नीचे अगर आप चलोगे तो 23 करोड़ की ग्रैंड लीग आपको और दिखेगी। तो अगर आप टोटल देखोगे तो भाई आपको 93 करोड़ की ग्रैंड लीग दिख जाएगी। अब यहां पर है ना, इन ग्रैंड लीग में मैं भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, प्लस अभी आपको 20 ग्रैंड लीग की टीम भी दिखाऊंगा। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको जो टीम दिखा रहा हूं ना, वो कॉपी पेस्ट करने की बजाय जो मैं लॉजिक आपको समझाऊं ना, वो चीज आपको ध्यान में रखनी। देखिए एकाना स्टेडियम में मैच खेला जाएगा, लखनऊ का भाई होम ग्राउंड रहने वाला है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर भाई पिच है ना दो तरह की, एक तो है भाई जहां पर ऑड इवन बाउंस है, ठीक है, प्लस कुछ बैट्समैन को हेल्प करेगी और कुछ वहां पर हेल्प होगी पेसर्स को, ठीक है। दूसरी जो पिच है काली मिट्टी की, वहां पर भाई बॉल बहुत नीचे रहेगा, प्लस विकेट काफी स्लो होती है, वहां पर भाई किसी को कुछ हेल्प नहीं है, स्पिनर्स पूरा गेम डोमिनेट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब किस पिच पर मैच खेला जाएगा उस हिसाब से ग्रैंड लीग की हमारी टीम्स मैटर करेंगी। तो फाइनल पिच रिपोर्ट आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। जो भी हमारी फाइनल टीम है वो आपको कहां मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपको भाई साइड में स्क्रीन दिख जाएगी, अभी आपके साथ ही मैं भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, लेकिन पहले आपको टीम्स दिखा देता हूं। सबसे पहली टीम यहां पर भाई देखिए, मैंने जो टीम बनाई है वो कुछ इस प्रकार की बनाई है कि मैंने टॉप ऑर्डर का एक बैट्समैन ड्रॉप किया है पंजाब का, प्लस जो इनके विकेट टेकिंग गेंदबाज है वो मैंने यहां से अपनी टीम में लिए हैं। यहां पर देखिए शिखर धवन को टीम में लिया, प्रभसिमरन को और जितेश को, टॉप फोर में से 3 बैट्समैन मैंने ले लिए। दूसरी चीज यहां पर भाई मैं इनके बॉलर्स को ले रहा हूं, प्लस यहां से मैं मान के चल रहा हूं कि फर्स्ट इनिंग में अगर लखनऊ की टीम बैटिंग करती है तो इनके बैट्समैन अच्छा कर जाएंगे, प्लस अगर एक आधा बॉलर अगर आप चाहो ले सकते हो, अदरवाइज यहां पर भी पंजाब की तरफ से हरप्रीत बराड़ को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सीबीसी मैंने दिया है दोनों ऑलराउंडर्स को, क्योंकि अगर स्पिनर्स को मदद हुई तो लिविंगस्टन भी भाई आपको बॉलिंग से काफी ज्यादा अच्छा करते नजर आ जाएंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप लोग चाहो तो जितेश शर्मा की जगह जॉनी बेस्टो को इस टीम में रख सकते हो। टीम नंबर 1 की हमने बात कर ली, टीम नंबर 2 पर चलते हैं। टीम नंबर 2 में भाई मैंने लखनऊ के फेवर में टीम बनाई है। यहां पर देखिए लखनऊ के मैंने कितने 1, 2, 3 मेन गेंदबाज ले लिए, प्लस टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन ले लिए। यहां पर अगर आप देखोगे तो लखनऊ के फेवर में मैंने टीम बनाई है, अगर लखनऊ इस मैच को जीतेगी तो हमारी ये टीम अच्छा कर सकती है। यहां पर आप सीवीसी को अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हो, ठीक है। बात करें अगर तीसरी टीम की, तो तीसरी टीम अगेन मैंने लखनऊ के फेवर में बनाई, यहां पर बस मैंने सीवीसी को चेंज किया और एक आधा गेंदबाज चेंज किया, प्लस पंजाब के जो प्लेयर्स है वो मैंने थोड़े से चेंज किए हैं। नंबर 4 टीम की बात करेंगे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये टीम आपको दिख रही है। ये सारी टीम है ना आपको सेव कर लेनी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ और सेव कर लो, क्योंकि जो भी मेरी फाइनल टीम होगी ना उसमें जो अपडेट आएंगी, जैसे मान लीजिए कि कृणाल पांड्या को मैंने ऑलमोस्ट 20 टीम में लिया हुआ है, इस मैच में मान लीजिए कृणाल पांड्या नहीं खेलेगा तो सिर्फ मैं आपको ये बता पाऊंगा कि कृणाल पांड्या की जगह आपको किसे लेना है। तो जिस जिस टीम में कृणाल पांड्या उसकी जगह पर आपको उस प्लेयर को रिप्लेस कर देना है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 20 टीम अगर मैं बना के दूंगा तो भाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, फाइनल अपडेट आपको वहां मिल जाएगी। प्लस यहां पर अगर आप देखोगे तो देखिए ये जो हमारी टीम है इसमें भाई मैंने बॉलर्स को लिया है और स्पेशली भाई स्पिनर्स को, मैंने सारे स्पिनर्स को अपनी टीम में। और दूसरी बात, जो बॉलर भाई यहां पर चेंज ऑफ पेस अच्छा करते हैं उनको मैंने अपनी टीम में लिया। मैंने यहां पर भाई कौन था यार, वो भाई ठाकुर, उसको अपनी टीम से निकाला। प्लस यहां से भाई मैंने रबाडा को टीम में नहीं लिया, अर्शदीप को नहीं लिया, क्योंकि वो भाई पेसर है, अच्छे खासे पेसर है, तो वो शायद यहां पे कारगर साबित ना हो। बाकी अगर आप बात करें नंबर 5 टीम की, तो 5वें नंबर की टीम में भाई मैंने फिर से रखा है केएल राहुल को एज ए कैप्टन। प्लस मैं मान के चल रहा हूं कि इनकी जो बैटिंग है ना वो यहां पर ज्यादा लंबी नहीं जाएगी, इनके टॉप ऑर्डर के कुछ बैट्समैन चलेंगे, प्लस उनमें केएल राहुल 70-80-90 रन बना जाएंगे, प्लस इनके जो गेंदबाज है ना वो भाई अच्छी खासी निकालेंगे, तो मैंने इनके सारे गेंदबाजों को पिक किया है। प्लस मैंने पंजाब के भी टॉप ऑर्डर के कुछ बैट्समैन पिक कर लिए, प्लस एक जो इनका डिफरेंशियल बॉलर है वो पिक किया हुआ है। अब अगर बात करें भाई नंबर 6 टीम की, नंबर 6 टीम भाई मैंने बनाई है पंजाब के फेवर में। यहां पर भाई मैंने पंजाब के 2 प्लेयर्स को सीवीसी दिया है जो कि आपको बॉलिंग भी अच्छी खासी करके देंगे, प्लस यहां पर भाई मैं मान के चल रहा हूं कि इनकी जो टीम है ना वो इजीली इस मैच को विन कर सकती है। तो उस कंडीशन में क्या है, आपको यहां पर देखिए शायद यार मैंने यहां पर टीम बनाते टाइम थोड़ी सी मिस्टेक की है, चलो कोई नहीं सुधार लेते हैं। यहाँ पर भाई शिखर धवन को मैंने टीम में रखा है, प्लस यहाँ से भाई मैंने नवीन उलक को ड्रॉप करना और यहाँ से भाई
जोनी बेस्टो, या फिर जोनी बेस्टो की जगह पर अगर आप चाहो तो प्रभ सिमरन सिंह, ये चेंज आप कर सकते हो। अभी के लिए खैर मैं जोनी बेस्टो को रख रहा हूँ, और यहाँ से मेरी टीम सीवीसी मैंने बिल्कुल सही रखे हैं, तो ये मेरी टीम रहेगी भाई। इस प्रकार की टीम आप बना सकते हो जहां पर भाई आप टॉप ऑर्डर मतलब जो लखनऊ के बैट्समैन है उनको फ्लॉप करके चल रहे हो, तो उनकी गेंदबाजों को टीम में रखो और उनके बैट्समैन को ड्रॉप करो। प्लस यहाँ पर मैंने इनका टॉप ऑर्डर पूरा कवर कर लिया, ताकि अगर मान लीजिए लखनऊ की टीम कम स्कोर बनाए तो इनके यही बैट्समैन रन्स को चेज कर जाए। ठीक है, अब अगर बात करें टीम नंबर 7 की, तो टीम नंबर 7 में अगेन भाई मैंने शिखर पाजी को कैप्टन दिया है, बीसी मैंने लिविंगस्टन को दिया, प्लस इनके मैंने 4 गेंदबाज भी पिक कर लिए, सॉरी 5 गेंदबाज भी पिक कर लिए, प्लस सामने वाली टीम के भी भाई मैंने 4 गेंदबाज और एक टॉप क्लास बैट्समैन पिक कर रखा है। अब अगर बात करें भाई यहां पर देखिए मोस्टली टीम मैंने बनाई है जो स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, ठीक है, स्पिनर्स या बॉलर्स ये डोमिनेट करेंगे, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर अगर आप देखोगे तो अगेन भाई मैंने दोनों टीम के 4-4 गेंदबाज ले लिए, एक टीम के 5 गेंदबाज, एक टीम के 4 गेंदबाज, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। स्पिनर्स को और यहाँ पर बॉलर्स को, मतलब मेनली बॉलर्स आप पकड़ के चलो, बॉलर्स और ऑलराउंडर इस मैच में आपको ग्रैंड लीग जितवाएंगे, और वही चीज मैंने यहाँ पर की हुई है। फाइनल पिच रिपोर्ट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, अगर किसी टीम में कोई चेंजमेंट होता है तो वो भी आपको वहां पर दिख जाएगा। टीम नंबर 9 की बात करेंगे, यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि दोनों टीम्स के एक एक ओपनर अच्छा करेगा, प्लस यहाँ पर भाई दोनों टीम्स के ओपनर्स अच्छा करेंगे, उसके बाद भाई यहाँ पर गेंदबाज अच्छा करेंगे, तो इसीलिए मैंने गेंदबाजों को अपनी टीम में रखा हुआ है। टीम नंबर 10 की बात कर लेते हैं, 10वीं टीम की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी टीम में लिया है नवीन उलक को कैप्टन, रवि बिश्नोई को वीसी। आपको पता होगा रवि बिश्नोई का रिकॉर्ड फर्स्ट इनिंग में ज्यादा अच्छा करते हैं, मोस्टली स्पिनर क्या है सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट लेता है, लेकिन रवि बिश्नोई फर्स्ट इनिंग में अगर इनकी टीम गेंदबाजी करवाएगी तो ज्यादा विकेट लेगा। उस कंडीशन में मैंने इनके दो बॉलर्स को सीबीसी दिया हुआ है, बाकी यहां पर अगर आप देखोगे तो इनका भाई मैंने टॉप का एक जो टॉप क्लास बैट्समैन है उसको ड्रॉप करके बाकी के टॉप 3 में से 2 बैट्समैन लिए हैं। ठीक है, तो ये होते भाई कुछ यूनिक तरीके जीएल में जाने के, अगर आप बिल्कुल सेफ सेफ जाओगे तो भाई आप कभी जीएल नहीं जीत पाओगे। 10 टीम यहां पर हमारी हो गई। ओके चलिए भाई यहां पर भाई अगर बात करें तो देखिए यहां पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, यहां पर 59 वाला कॉन्टेस्ट है ये, भाई मैं 20 की 20 टीम के साथ ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, अभी आपके सामने यहाँ पर भाई मैंने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया है। ओके चलिए भाई यहाँ से नीचे की साइड इसको करते हैं, और यहाँ पर भाई देखिए जो 23 करोड़ वाला कॉन्टेस्ट है ये भी भाई मैं 20 की 20 टीम के साथ ज्वाइन करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी भाई देखिए मैंने 20 के 20 टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया है। अब चलिए वापस से चलते हैं भाई अपनी टीम्स की तरफ, तो टीम नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टीम नंबर 11 में आपको क्या दिखेगा, पंजाब का भाई यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर आपको दिखेगा, प्लस पंजाब के 3 विकेट टेकिंग गेंदबाज दिख जाएंगे, और यहाँ पर भाई मैं सेफ पिक लेकर चल रहा हूँ लखनऊ की टीम के, तो ये टीम हमारी कुछ इस प्रकार की रहेगी। बाकी अगर आप बात करोगे टीम नंबर 12 की, तो टीम नंबर 12 में अगेन भाई मैंने पंजाब के फेवर में ही टीम बनाई है, यहां पर बस मैंने कुछ प्लेयर्स को चेंज किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। टीम नंबर 13 की बात करें तो यहां पर अगेन भाई मैं लखनऊ के फेवर में आ गया हूं, लखनऊ के मैंने 5 गेंदबाज भी रख लिए, प्लस लखनऊ के 2 ओपनर भी रख लिए। ये टीम कब काम करेगी, जब भाई पंजाब के सॉरी लखनऊ के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन दोनों बैट्समैन मैच को फिनिश करेंगे। मान लीजिए कि पंजाब पहले बैटिंग करते हैं और 130 40 50 तक बना जाती है और 80 90 या 100 रन की पार्टनरशिप इनके दोनों ओपनर कर जाते हैं, उस कंडीशन में ये टीम आपको जीएल जितवाएगी। बस सीबीसी की अगर हेर फेर हो गई तो भाई बात अलग है। बात करें टीम नंबर 14 की, तो टीम नंबर 14 में अगेन भाई यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि अगर पंजाब की सॉरी लखनऊ की टीम पहले बैटिंग करे तो इनके भाई मोस्टली बैट्समैन चलने चाहिए, मतलब टॉप ऑर्डर के बैट्समैन इनके मोस्टली रन्स बनाए, प्लस इनके जो बाकी गेंदबाज है वो विकेट ले जाएं। ठीक है, प्लस इनके मैंने ऑलराउंडर्स लिए जो बॉलिंग भी करेंगे, देखिए एक आधा बैट्समैन तो आउट होगा, 1-2-3 विकेट तो गिरेंगी, तो वो विकेट भी तो कोई लेगा ना, तो उसके लिए भाई मैंने इनके 3 बॉलर लिए, जिसमें से 2 ऐसे प्लेयर है जो आपको अच्छी खासी बैटिंग भी करके देंगे। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते भाई 15 नंबर टीम पर, यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी बैलेंस टीम बनाने की कोशिश की, शिखर पाजी के साथ मैंने वीसी किया लिविंगस्टन को, सैम करन, अर्शदीप और हरप्रीत बराड़, ये भाई मैंने 5 प्लेयर रखे हैं, जिसमें से भाई 4 इनके गेंदबाज है प्लस 3 इनके बैट्समैन हो गए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, प्लस सारा टॉप ऑर्डर मैंने रखा हुआ है लखनऊ का, क्योंकि मेरे को लग रहा है डेथ में विकेट गिरेंगी, तो उसी लिए मैंने यहां से अर्शदीप को लिया है। ठीक है, प्लस यहां से भाई मिडिल ओवर्स में विकेट गिरेंगी, वहां पर भाई ये दोनों तीनों गेंदबाज आपको विकेट निकाल कर दे सकते हैं, प्लस कुछ विकेट निकालेंगे यहां से लखनऊ के गेंदबाज, इसीलिए
मैंने लखनऊ के गेंदबाजों को भी अपनी टीम में लिया हुआ है। अगर बात करें भाई टीम नंबर 16 की, तो टीम नंबर 16 की बात करें तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि लखनऊ अगेन भाई डोमिनेट करेगी, मिडिल ओवर्स में विकेट गिरेंगे, तो इनके टॉप के तीन बैट्समैन रन बनाएंगे, उसके बाद भाई इनके बैट्समैन रन नहीं बनाएंगे। दूसरी बात भाई यहां पर फिर उसके बाद गुच्छों में विकेट गिरती है, तो अगर ऐसा मैच जाता है तो भाई उस हिसाब से आपको टीम बनानी है। तो यहां पर देखिए मैंने उसी हिसाब से कैप्टन दिया है, अगर मिडिल ओवर्स में विकेट गिरेगी तो रवि बिश्नोई विकेट निकालेगा, प्लस अगर स्कोर कम बना तो केएल राहुल चेज करने में ईजी रखेगा, तो इसीलिए मैंने सीवीसी इन दोनों को दिया हुआ है। बाकी थोड़ा नीचे चलोगे तो टीम नंबर 17 की बात करेंगे, यहां पर अगर आप देखोगे तो भाई मैंने दोनों टीम्स के प्लेयर्स को सीबीसी दिया हुआ है, अलग-अलग टीम के, ठीक है। यहां पर भाई मैंने थोड़ी सी बनाई है बैलेंस टीम, जिसमें मैंने कुछ डिफरेंशियल पिक लिए हैं, जैसे कि भाई कृणाल पांड्या हो गया, आयुष बदोनी हो गया, कुछ मैंने यहां पर भाई पंजाब की तरफ से डिफरेंशियल पिक लिए, जैसे कि भाई यहां से जोनी बेस्टो हो गया, राहुल चहर हो गया, और सीबीसी भाई मैंने कैप्टन रिस्की दिया है और वीसी सेफ दिया है। ये फॉर्मूला भाई काफी बार काम करता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। टीम नंबर 18 की बात कर लेते हैं, टीम नंबर 18 में अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देखिए कैप्टन दिया मैंने लिविंगस्टन को, वीसी दिया मैंने हर्षल पटेल को, प्लस मैंने और दो गेंदबाज दिए, इनके डेथ ओवर के गेंदबाज मैंने ले लिए, मिडिल ओवर्स के गेंदबाज ले लिए, और इनका टॉप ऑर्डर ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर एक चेंज आप कर सकते हो, यहाँ पर आयुष बदोनी की जगह या फिर भाई यहाँ से देवदत्त पडिगल की जगह दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके, दोनों को ड्रॉप करके आप यहां पर दो प्लेयर ले सकते हो, प्रभ सिमरन और जोनी बेस्ट्रो, तो आपकी टीम और भी ये थोड़ी सी मतलब पंजाब के कंप्लीट फेवर में आ जाएगी, ठीक है। वहीं अगर बात करें भाई यहां पर टीम नंबर 19 में मैंने कैप्टन दिया है सैम करन को, क्योंकि अगर मान लीजिए इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो ये रन्स भी बना जाएंगे, अगर मान लीजिए 50 रन बना गए, प्लस इनकी फिर बॉलिंग भी आएगी बाद में, तो ये एक दो विकेट भी ले सकते हैं, तो उसी वजह से भाई मैंने इनको कैप्टन दिया। और इनके साथ ही जो प्लेयर है जो हरप्रीत बराड़ है, जो भाई बैटिंग भी करके दे देगा, बॉलिंग भी करके दे देगा, इन्हें मैंने वीसी दिया अपने टीम में, ठीक है। तो ये हमारी टीम रहेगी टीम नंबर 19 रहेगी हमारी। टीम नंबर 20 और फाइनल टीम, अगेन भाई यहां पर मेरे को जो लग रहा है, बिल्कुल जो गट फीलिंग आ रही है कि इस मैच में लखनऊ अच्छा करेगी, इसीलिए भाई मैंने लखनऊ के फेवर में टीम बना दी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7-4 का कॉम्बिनेशन है, प्लस यहाँ पर एक चीज और भी है, मैंने जो दो प्लेयर सबसे अच्छा करते दिखेंगे जो मेरे स्मॉल लीग में भी सीबीसी रहेंगे, वो मैंने दो प्लेयर को सीबीसी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये थी भाई हमारी 20 टीम आपके सामने। इस टीम में मान लीजिए कोई भी प्लेयर नहीं खेलता है, या जो भी हमारी पिच रिपोर्ट रहेगी, या फिर ग्रैंड लीग की तो बात यहाँ पे कर ली, स्मॉल लीग की टीम में अगर कोई चेंजमेंट होगा, स्मॉल लीग की वीडियो आपको चैनल पर दिख जाएगी, ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा अगर आपको स्मॉल लीग में विनिंग करनी है तो। और स्मॉल लीग में आपको भाई कंटिन्यू अल्ट्रा क्लीनशिप दे रहा है, कंटिन्यू 10 मैच हो चुके हैं, 8 मैच अल्ट्रा क्लीनशिप है, 2 मैच हमारे एवरेज गए, दोनों मैच केकेआर के गए हैं, केकेआर के मैच हमारे लिए बिल्कुल एवरेज गए हैं, थोड़ा सा लक मान सकते हो क्योंकि दोनों मैच ही केकेआर के थे, या फिर मान सकते हो कि उनकी प्रिडिक्शन सही नहीं गई, ठीक है। बाकी अगर बात करें टीम मैंने 20 की 20 आपको दिखा दिया, सेव कर लीजिएगा वीडियो को रोक रोक के, ठीक है, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक भी किया होगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।